हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है हमारे यूट्यूब चैनल में। तो दोस्तों, आज की वीडियो फेस के लिए बहुत खास होने वाली है। वीडियो को स्किप बिल्कुल मत करना। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं वीडियो की ओर। तो दोस्तों, आज मैं बात करने वाला हूँ बेटनोवेट एन क्रीम और फेयर लवली क्रीम की, कैसे हम दोनों को मिक्स करके अप्लाई कर सकते हैं अपने फेस पर। ऐसा करने से क्या बेनिफिट होगा हमारे फेस के लिए, तो टोटल जानकारी मैं आपको देने वाला हूँ इस वीडियो में। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो मेरे साथ लास्ट तक। पहले मैं बात करूंगा बेटनोवेट एन क्रीम की। दोस्तों बेटनोवेट एन क्रीम ऐसी एस्टेरॉइड दवा है जिसमें 0.5% बीटामेथासन बॉयलेट और 3% नियोमाइसिन सल्फेट पाया जाता है। बेटनोवेट एन में पाया जाने वाला बीटामेथासन त्वचा की कोशिकाओं को अंदर तक जाकर शरीर के रसायनों को बाहर और नियोमाइसिन त्वचा के जीवाणु संक्रमण को रोकने या साफ करने में मदद करता है। दोस्तों बेटनोवेट एन क्रीम का उपयोग त्वचा की नमी वाले स्थान पर किया जाता है, इसलिए त्वचा के शुष्क स्थानों पर प्रयोग करना उपयुक्त है इसका। पर दोस्तों कुछ लोगों को प्रॉब्लम ये आती है कि बेटनोवेट एन क्रीम को फेस पर लगाने के बाद त्वचा तीली और काली दिखाई देने लगती है। अब दोस्तों बात कर लेते हैं फेयर लवली क्रीम की। सुनने में तो यह आता है कि फेयर लवली क्रीम बहुत ही सही और अच्छी है फेस के लिए और फेस को गोरा करती है, परंतु कुछ उपयोग और रिजल्ट से पता चलता है कि कुछ लोगों के फेस को ड्राई कर देती है, जिससे फेस देखने में अच्छा नहीं लगता, फेस पर सफ़ेद धब्बे पड़ जाते हैं और फेस बहुत सख्त और चूड़ियाँ जैसी पड़ जाती हैं फेस पर। यह सब प्रॉब्लम को दूर करने के लिए ही वीडियो बनाई, क्योंकि ये सब प्रॉब्लम मुझे खुद होती थी फेस पर। तो दोस्तों कैसे यूज करना है मैं बता रहा हूँ आपको। तो दोस्तों अपने फेस के हिसाब से बेटनोवेट एन क्रीम और फेयर लवली क्रीम को अपने हाथ पर निकालें। अब इन दोनों क्रीम को अच्छे से मिक्स कर लें। अच्छे से मिक्स करने के बाद अपने फेस पर अप्लाई करें। इस तरीके से दोस्तों आप अपने फेस पर अप्लाई करें। इससे क्या होगा दोस्तों, जिन लोगों की त्वचा फेयर लवली क्रीम से ड्राई होती है बेटनोवेट नहीं होने देगा, और जिन लोगों की त्वचा ज़्यादा तेली होती है बेटनोवेट क्रीम से, वो फेयर लवली नहीं होने देगा। ऐसा करने से दोस्तों आपका फेस गोरा होगा और ग्लो करेगा और सॉफ्ट भी रहेगा। दोस्तों आप फर्क देख सकते हैं, मेरा राइट साइड वाले हाथ से मेरे लेफ्ट साइड वाला हाथ ज़्यादा गोरा और ग्लो कर रहा है। और दोस्तों रही बात साइड इफेक्ट की, तो इसके कोई भी साइड इफेक्ट नहीं, क्योंकि मैं खुद यूज करता हूँ। अगर दोस्तों वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। अगर हेल्थ और स्किन से रिलेटेड आपका कोई क्वेश्चन है तो आप मेरी इंस्टाग्राम।